अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक हमने डिस्कस करना यह है चार्ल्स लॉ। एग्जामिनेशन पॉइंट वैसे देखा जाए तो बच्चा ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ रहा होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ सिर्फ ये कहेगा स्टेट चार्ल्स लॉ एंड राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। स्टेट चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गिव और दे दें गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दे। सही है। तो ये हमारे पास पास पेपर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले हम बात लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसे प्रीवियस लेक्चर में हम बॉयज लॉ को डिस्कस कर चुके हैं। बॉयज लॉ ने दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया, प्रेशर को और वॉल्यूम को। उसने बताया ये कहा था कि अगर हम प्रेशर गैस का बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम गैस का कम हो जाएगा। अब इस बंदे ने क्या कहा कि द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस दी गई गैस का जो वॉल्यूम होता है गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दी गई गैस का जो वॉल्यूम होता है ना ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम क्या करें, इफ प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, इफ प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो ये था जी हमारे पास इसकी स्टेटमेंट। इस बंदे ने क्या बात कही, कहते अगर हम किसी भी गैस को लेके एक कंटेनर में बंद करके इस गैस को अगर हम करें हीट, कहते जैसे आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो पिस्टन होगा ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और उस गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ये सिंपल सी बात थी, ये मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम गैस का बढ़ेगा और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम गैस का कम होगा। सही है। तो ये इस बंदे ने बात कही। अब स्टेटमेंट के बाद एक हेडिंग दे दें रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप से क्या मुराद है, मतलब इस बंदे ने किन दो चीज़ों के रिलेशनशिप की वजाहत की। तो अगर देखा जाए तो इस बंदे ने कहा जी वॉल्यूम और इसके बाद सेकंड जो चीज़ इसने एक्सप्लेन की वो थी टेम्परेचर। चार्ल्स एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, चार्ल्स एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसने दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आएगी कंडीशन। भले दो चीज़ें इस लॉ में कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी, पहले नंबर पे प्रेशर और सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये दो चीज़ें आपकी कांस्टेंट हो जाएंगी, प्रेशर एंड एन, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, शुड बी कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होने चाहिए। और इसके बाद चार्ल्स लॉ को मानने के लिए गैस का आइडियल होना ज़रूरी है, गैस शुड बी आइडियल, गैस शुड बी आइडियल, गैस आइडियल होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिकली क्या हम इस चीज़ को मैथमेटिकली किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो जो बात मैंने ऊपर लिखी वही बात यहाँ पे करूँगा कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस यही बात चार्ल्स लॉ ने कही थी, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। सही है। तो अच्छा मैं इसकी एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, बट जब गर्मियाँ होती हैं ना जो टायर के अंदर हवा होती है, अब देखो टायर के अंदर हमने क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है,
ये क्या है हमारे पास, एयर। अब गर्मी में ना यूजली ये काम किया जाता है कि टायर के अंदर हवा नॉर्मल से थोड़ी सी कम रखी जाती है। अब इसकी रीज़न क्या होती है, जब गर्मी होती है तो गैस एक्सपैंड करती है, क्या करती है एक्सपैंड। आपने ये भी एक चीज़ चेक की होगी, जो यूजली गाड़ी का टायर फटता है ना वो चलते हुए फटता है, खड़ी गाड़ी का टायर कभी बहुत कम चांसेस हैं कि खड़ी गाड़ी का टायर फट जाए, लेकिन 90% या 95% आप ये कह सकते हैं कि गाड़ी का जो टायर फटेगा वो चलते हुए फटता है। अब इसकी रीज़न पता क्या होती है, हाँ अब जब टायर सड़क पर चलता है ना तो यहाँ पर फ्रिक्शन होती है, अब फ्रिक्शन की वजह से ना टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अंदर गैस मौजूद होती है वो एक्सपैंड होती है। अगर तो आपका टायर अच्छा है, जो अंदर वाली गैस एक्सपैंड हो रही है उसको बर्दाश्त करके उस प्रेशर को, तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ये रीज़न बेसिकली होती है। आप चेक कर लीजिए, जब आप गाड़ी को कोई एक घंटा या दो घंटे रोड के ऊपर लगातार चलाओ, बेशक सर्दियों का मौसम हो, आप टायर को हाथ लगा के चेक करो, टायर गर्म हुआ पड़ा होता है, और गर्म होने की वजह से जो अंदर वाली गैस होती है वो फैल जाती है, थोड़ी बहुत लाजमी फैलती है, उस फैलने की वजह से अगर तो आपका टायर स्ट्रॉन्ग है तो वो बर्दाश्त कर जाता है उस फैलने जितनी फैलती है, अगर टायर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फट जाएगा, सही है। तो अब यहाँ मैथमेटिकल में हमने ये बात देखी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम एन एंड पी आर कैप्ट कॉन्स्टेंट, अगर ये दो चीज़ें हम कॉन्स्टेंट कैप्ट कॉन्स्टेंट, अगर ये दो चीज़ें क्या रखेंगे हम कॉन्स्टेंट रखें, तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। और आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब काट के आप इक्वलिटी में चेंज करते हो तो इसकी जगह पे एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, साथ में क्या आ जाएगा, इक्वलिटी का साइन, और यहाँ पे के विल बी इक्वल टू वी ओवर टी। अच्छा, हमने बॉयज़ लॉ पढ़ा, बॉयज़ लॉ में भी हमने एक सेकंड स्टेटमेंट बनाई थी, क्या यहाँ पर भी एक सेकंड स्टेटमेंट बनती है। देखो आप 5 बटन 9 लिखते हो, क्या आप इसको ये कह सकते हो 5:9 कह सकते हो इसको, Yes, क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सही है। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर is always equal to constant, is always equal to constant। जी दो चीज़ों के दरम्यान में जो रेशो है ये हमेशा किसके बराबर होगी, कॉन्स्टेंट के बराबर होगी, भाई ये बात आपने याद रखनी है। अगर हम क्या करें, अगर हम प्रेशर कॉन्स्टेंट के, इफ प्रेशर कैप्ट कॉन्स्टेंट अगर प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा जाए तो, मैं कहता हूँ मेरे पास एक गैस है और दो मुख्तलिफ कंडीशन में मैं अगर ये वाली वैल्यू लेता हूँ, के इज इक्वल टू वी ओवर टी एंड के इज इक्वल टू वी ओवर टी, इनिशियल कंडीशन के लिए मैं क्या करूँगा, साथ में 1:1 लगाऊंगा, और फाइनल कंडीशन के लिए साथ में क्या करूँगा, 2:2 लगाऊंगा, फाइनल कंडीशन क्या लगाऊंगा, 2:2 लगाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कंपेयर करने के बाद हमारे पास आ जाएगा v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2। अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि v1 t1 v2 t2 ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे v1 इनिशियल वॉल्यूम t1 इनिशियल टेम्परेचर इसके बाद v2 फाइनल वॉल्यूम और t2 फाइनल टेम्परेचर। लो जी लास्ट में हमने एक बात करनी है जो इस लॉ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है जी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आप इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली किस तरह वेरीफाई कर सकते हो, लो जी हेडिंग दे दो एक्सपेरिमेंटल, छोटी सी है कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन
मतलब इस लॉ को आप एक्सपेरिमेंटली किस तरह वेरीफाई कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, एक पिस्टन लेना है, या मेरी बातें सुनते जाइएगा। ये मेरे पास एक पिस्टन है, सॉरी एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के अंदर मैंने पिस्टन लगा रखा है, और इस पिस्टन की ख़ास बात यह है कि ये मूव कर सकता है। ये क्या हमारे पास पिस्टन है और ये मूवेबल, और इसके अंदर मैंने एक गैस को बंद कर रखा है, सही है। और इसको मैंने रखा हुआ है ट्राईपोड स्टैंड पे। क्या रखा है मैंने इसको? ट्राईपोड स्टैंड पे रखा हुआ है। और ये हमारे पास आ गया जी स्टैंड। तो ये हमारे पास आ गया जी ट्राईपोड स्टैंड, और इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी गर्म। अभी मैंने गर्म करना स्टार्ट नहीं किया, चलो मैं अभी गर्म नहीं करता। अब शुरू में जो इनिशियल वाले, जो मैंने कहा जी इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल टेम्परेचर है, मतलब जब स्टार्टिंग मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने इसका वॉल्यूम मेजर किया और उसको नाम दे दिया V1 का, और इस वक्त जो टेम्परेचर था उसको क्या नाम दे दिया? T1 का। इसके बाद मैंने गैस जो इसके अंदर मौजूद थी इसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको गर्म करना शुरू करूँगा क्या होगा? गैस गर्म होगी। गैस गर्म होने के बाद ये ऊपर की तरफ एक्सपैंड होगी। क्या जी? गैस गर्म होने के बाद क्या हो जाती है? एक्सपैंड हो जाती है। ये वाला पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, सही। अब जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वॉल्यूम जो फाइनल हो जाएगा उसको कहेंगे V2, और उस वक्त टेम्परेचर कितना था उसको कहेंगे T2। यही बातें पहले लिखेंगे, बाद में हम सारी की सारी चीज़ें जो आपकी बुक वाला, अगर आप बच्चे वैल्यूज़ लिखना चाहते हैं तो वैल्यूज़ लिख सकते हैं, वरना बुक में आई थिंक वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई, ना ही लिखने की ज़रूरत है। बस ये कहता जी हमारे पास शुरू में वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, हमने इस गैस को गर्म किया, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर T2 हो गया, लो जी चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो गया। हालांकि वैल्यूज़ पुट करके नहीं दिखा रहा, पुट करके दिखाने चाहिए, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे V1 की वैल्यू की बात करूँ तो बच्चा ये 50 cm³ ले लो, और T1 की 25, और ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, 25°C। T2 मैं कहता जी अगर 100°C होता है तो V2 हमारे पास होगा 62.5 cm³। ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको लिखना चाहते हैं तो। चलो जी इसके बारे में हम चंद बातें लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में। अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन Having a movable piston, हमने एक सिलेंडर के अंदर गैस को बंद कर रखा है और इसके अंदर मूवेबल पिस्टन है। Having a movable piston, the initial temperature of gas, गैस का जो initial temperature था वो था हमारे पास T1। T1 is equal to 25°C and initial volume is initial volume is 50 cm³। After heating the volume of gas इज इंक्रीज्ड। क्या हो जाएगा? जब गर्म करोगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, और गैस का फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा? इज 62.5 cm³ एट T2 टेम्परेचर 100°C। अब आपको अब ना ये वैल्यूज पुट करके देखोगे ना आपका आंसर सही नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। अब पहले बता दूँ क्या करना पड़ेगा। एक बात जो आपने खुसूसन याद रखनी, V1/T1 = V2/T2। अब ना यहाँ पे आपने टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है। ये जो मैंने टेम्परेचर लिखे हैं किस में लिखे हुए हैं? °C में, दोनों के दोनों, सही है। आप पहले °C को केल्विन में पुट करो, कन्वर्ट करोगे, फिर इसमें पुट करोगे, फिर आपका आंसर सही आएगा। चलो V1 हमारे पास है 50, कितना है, और T1 है 25। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका कार ये है कि इस वैल्यू में 273 ऐड कर दो, 25 जमा
273 तो हमारे पास आ जाएगा 298। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे गौर करो तो V2 कितना है 62.5। इसमें फिर क्या करो जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड T2 273 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 373। और इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर है और ये बुक में सॉल्व करके नहीं दिया हो गया, मैं पहले बता दूँ बुक में सॉल्व नहीं किया हुआ, सही है। वो बस यहाँ तक कहता जी ये है और ये हमारे पास बॉयज लॉ प्रूव हो चुका है। सही, 50 / 298 क्या आंसर आता है? 0.16। और इसका आंसर क्या आता है? 62.5 / 273 16। सही है, दोनों का आंसर 0.16, उसका भी आंसर 0.16। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करोगे, मैं फिर कह रहा हूँ आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर दोनों का डिफरेंट आएगा। सही है, तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। और एक और जो बात आपने याद रखनी है, चार्ल्स लॉ आप जब भी यूज़ करोगे उसमें टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज़ किया जाता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर लिखनी हो तो साथ लिख लीजिएगा।